जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव एडवेंचर में। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप जा रहे हैं किसी कोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवेंचर कोर्स या गाइड कोर्स के लिए भी जा रहे हैं, दोस्तों बेसिक सी चीज जो होती है इन सारे कोर्सेज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो हो जाती है वो होती है रोप, एंड रोप का यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है नॉट्स। तो नॉट टेस्ट कैसे क्लियर करें अगर आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए जा रहे हैं या एडवेंचर कोर्स के लिए जा रहे हैं या फिर जा रहे हैं आप ट्रैक गाइड कोर्स के लिए। वीडियो में सबसे पहले दोस्तों मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें कि आपको जितनी नॉलेज होगी उस दौरान मेरी वीडियोस देख के उससे ज़्यादा एडवेंचर इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों ध्यान रखें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी कि हाउ टू गेट ए ग्रेड इन बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वो वीडियो ज़रूर देखिए। क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, अपनी तरफ से ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले हमारे पास होनी चाहिए रोप, एंड रोप हम माउंटेनिंग रोप प्रॉपर लेके आए हैं, कर्नामेंटल रोप है हमारे पास। तो पहले हमारे पास ये रही दोस्तों हमारी कर्नामेंटल रोप, एंड अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, कौन कौन से नॉट्स इससे बनाएंगे, अब वो सारी चीज़ें अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नॉट्स के बारे में बताऊँ, उससे पहले बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। नॉट्स जो होती हैं दो तरीके की बेस पे हम मारते हैं, जो भी हमारी एंकरिंग नॉट होती है या बेस मेकिंग रोप नॉट होती है वो दो तरीके की हम जगह पे मारते हैं। पहली दोस्तों हमारी जो नॉट होती है वो होती है नेचुरल नॉट, एंड सेकेंड होती है आर्टिफिशियल नॉट। इसमें दोस्तों क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जब मैं माउंटेनिंग फील्ड में नहीं भी था, स्काउट एंड गाइड में था, उस दौरान दोस्तों हमें सबसे बेसिक नॉट जो बताई गई थी वो थी क्लोहिच। क्लोहिच का यूज़ कैसे करना है, हिच अलग होती है, नॉट अलग होती है, आई नो कई जने बोलेंगे बैंड अलग होते हैं एंड एंकर अलग होते हैं, आई नो, बट सारे एक तरीके से नॉट्स का एक पार्ट होते हैं। तो उसमें दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लोहिच कैसे मारनी है। तो हाथों की पोजीशन दोस्तों देखेंगे, पहले अपना एक हाथ आगे की तरफ कर लीजिए, एक हाथ पीछे की तरफ कर लीजिए। जब हम आर्टिफिशियल बेस पे मारेंगे, अब आर्टिफिशियल बेस कैसे होता है क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो एक हाथ आगे एक हाथ पीछे कर लिया हमने, एंड इसे नॉर्मली हमने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने पे दोस्तों क्या करना है, क्रॉस करने के बाद इन्हें ज्वाइन किस तरीके से करना है दोबारा देखिएगा दोस्तों, साथ में करेंगे क्रॉस क्रॉस एंड हाउ टू ज्वाइन, इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देना है। अब देखिए नेचुरल एंकर क्या है, आर्टिफिशियल एंकर क्या है, दोस्तों बेसिक से तरीके से मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है, एंड आर्टिफिशियल नेचुरल में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा बेस है ये ऊपर से हम इसे लूप को डाल सकते हैं, एंड हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस पे हम कौन सा एंकर यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल एंकर। आर्टिफिशियल एंकर मतलब जिसमें आप ऊपर से डाल सकते हो। तो इसे देखिए नॉर्मली हमने क्लोहिच लगाई, क्लोहिच कैसे लगाई है, 1 2 क्लोहिच हो गई हमारी रेडी, एंड ऊपर से इसमें इजीली हम इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम डालेंगे, क्लोहिच हमारी रेडी है, तो बिल्कुल नहीं है। रीज़न मैं आपको बताऊँ क्यों रेडी नहीं है, कि क्लोहिच के बाद आपको सेफ्टी या हाफ इंच कंपलसरी आपको माननी होती है। तो मान लीजिए क्लोहिच हमने लगाई, एंड इसके बाद हमने लगा दी एक सेफ्टी, देखिए क्लोहिच हमारी टाइट हो गई, इसके बाद आ गई हमारी सेफ्टी नॉट। दोस्तों इसे आप सेफ्टी नॉट बोल सकते हैं, ओवरहैंड नॉट भी बोल सकते हैं, एंड कैसे लगती है नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ सामने की तरफ से। तो ये हो गई हमारी नॉट जो है रेडी, क्लोहिच ऑन आर्टिफिशियल नॉट। अगर ऐसे एंकर है तो इस तरीके से हमने क्लोहिच लगाई एंड यहाँ पे एक सेफ्टी मार दी, तो हमारी आर्टिफिशियल नॉट रेडी है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें खास तौर पर, अगर आपके नॉट टेस्ट आप देने जा रहे हैं तो नंबर कहाँ कटेंगे, फर्स्ट थिंग इज़ आप मार किस तरीके से रहे हैं, एंड सेकेंड थिंग इज़ जो एंड है ना ज़्यादा मत छोड़िएगा, ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए मिडल से किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एंड ज़्यादा ना छोड़े। इसके बाद दोस्तों आते हैं अब नेचुरल एंकर पे कैसे मार सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यूज़ करना है नेचुरल एंकर के लिए, तो उस पर भी मैं ध्यान आपको दिलाता हूँ कैसे करना है। ये हमारा नेचुरल एंकर, फॉर एग्जाम्पल हम इधर से नहीं डाल सकते हैं, तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, नॉर्मली है अब इसमें हम एक क्रॉस दे देंगे, क्रॉस किया जो हमारी नॉट है कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्रॉस बन रहा होगा, तो ये नॉर्मली मैं रोप लाया एंड इस क्रॉस के अंदर से निकाल दिया,
तो ये हो गया हमारा नेचुरल एंकर, जहाँ पे हम साइड का यूज़ नहीं कर रहे, ऊपर से रोप नहीं डाल रहे हैं, तो ये हमारा नेचुरल एंकर के काम में आ जाएगी। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट नॉट के ऊपर। नेक्स्ट नॉट हमारी कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है बोलाइन। बोलाइन कैसे लगानी है, अब मैं आपको इजी तरीका अब मैं बता देता हूँ। वैसे तो कई तरीके हैं बट इजी तरीका आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बेस है, इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ है नहीं वरना मैं बांध के बताता। हमारी रनिंग रोप, इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। नॉर्मली एक छोटा सा आप लूप लेंगे, लाइक दिस लूप ले लिया। लूप लेने के बाद इसे अंदर से पास करेंगे, अंदर से पास किया एंड जो ये हमारी रनिंग रोप जा रही होगी, रनिंग रोप के प्रॉपर एक ट्विस्ट दे देना है। ट्विस्ट कैसे देना है आप ध्यान से देखेंगे। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लूप लिया, अंदर से इसे पास किया, यहाँ से हम गए एंड इस रनिंग रोप का हमने एक ट्विस्ट दे दिया अंदर की तरफ। तो ये दोस्तों हो गई हमारी बो लाइन रेडी। बट बो लाइन में आपको सेफ्टी नॉट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, जहाँ तक मेरा मानना है कि नहीं पड़ती है। कुछ इंस्ट्रक्टर कहते होंगे कि पड़ती है तो ठीक है वो भी कर देते। तो इसमें दोस्तों ये हमारी जो रोप बच गई, एंड रोप जो हमारी बच गई, इसमें क्या करना है, एक छोटा सा सेफ्टी नॉट यहाँ पे लगा देनी है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके ड्रेसिंग के भी नंबर होते हैं। अगर आप टेस्ट करते हैं माउंटेनिंग का, ये बेसिक माउंटेनिंग कोर्स में जाते हैं और ड्रेसिंग के भी नंबर हैं, तो उस चीज़ के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक नॉट लगाई एंड इसे नॉट टाइट कैसे करते हैं, जिस साइड आप ट्विस्ट करेंगे एंड इसे नीचे की तरफ खींच दें। तो ये हो चुकी है हमारी बो लाइन रेडी। एंड यही अगर हमें बॉडी पे माननी है तो बॉडी पे भी सेम तरीका है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले क्या करना है, आराम से एक नॉर्मल ट्विस्ट ले लिया। ट्विस्ट लेने के बाद इसे अंदर से करेंगे पास, आप भी साथ में करते रहेंगे। पास करने के बाद ये है हमारी रनिंग रोप, रनिंग रोप के नीचे से ले गए एंड वापस जहां से रोप हमारी आई हुई थी वहीं पे लगा दिया। तो ये बन गई हमारी बो लाइन। सेकेंड थिंग इज, बो लाइन में ड्रेसिंग के खास तौर पे नंबर हैं, तो इतना जो गैप आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। तो इस गैप को कम कैसे करेंगे आप, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो अपने हिसाब से यहाँ से ये जो रनिंग रोप जा रही है इसे थोड़ा टाइट करते रहेंगे तो आपकी रोप नॉट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। ये हमारी दोस्तों बो लाइन हो गई रेडी। आते हैं अब नेक्स्ट नॉट के ऊपर। नेक्स्ट नॉट दोस्तों जो आ जाती है आपकी बेसिक सी चीज़ों में सिखाते हैं, हैंड कफ नॉट। हैंड कफ नॉट कैसे लगाते हैं, सेम लिया जैसे हम क्लोहिज लगाते हैं, एक इधर किया एक इधर किया, इस तरीके से कर लिया एंड इसे क्रॉस करके रखेंगे। एंड अब क्या करना है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो बाहर वाली जो ये पीछे की तरफ है इसे आगे लाना है, आगे वाले को पीछे लेके जाना है। तो ये हो गई हमारी हैंडकफ नॉट रेडी। एंड इसमें दोस्तों आप अपने गुनाहगार को बांध के ले जा सकते हैं। एक टाइट हो गया, दूसरा टाइट हो गया एंड जो भी आपका कैदी है इस तरीके से आप उसे बांध के ले जा सकते हैं, अगर उसे नॉट्स की नॉलेज नहीं है तो। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट नॉट जो हमारी है, शीट बैंड नॉट। ये ज्वाइनिंग में यूज होती है। ज्वाइनिंग के लिए दो नॉट है बेसिक में आपको कराया जाता है ऑलरेडी। शीट बैंड कितने टाइप की होती है मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट इस वीडियो में आपको बता देता हूँ शीट बैंड नॉट कैसे बांधनी है। तो शीट बैंड नॉट दोस्तों जो यूज होती है अनइक्वल डायमीटर के लिए हम यूज करते हैं शीट बैंड नॉट का, जिसे पता नहीं हो। लास्ट टाइम मैंने एक छोटा सा क्विज रखा था, उसमें काफी लोगों ने गलत जवाब दिया है, तो मैं बता देता हूँ। अनइक्वल डायमीटर के लिए, जहाँ पे डायमीटर आपके अलग अलग हों उस डायमीटर के लिए यूज़ करते हैं शीट बैंड नॉट। एंड जब दोस्तों आपका टेस्ट होगा तो उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा खास तौर पे कि शीट बैंड नॉट जब भी आप लगाएं तो अनइक्वल डायमीटर से ही लगाएं, क्योंकि ये चीज़ भी काउंट होती है। अगर आप सेम डायमीटर से नॉट लगाते हैं ये वाली, तो आपके जो पॉइंट हैं वो माइनस हो सकते हैं, या 5 नंबर का अगर एक नॉट का आपका टेस्ट है तो उसमें मे बी चांसेस हैं 2-3 नंबर कट सकते हैं। तो दोस्तों आप शीट बैंड नॉट कैसे लगाएंगे, पहले दोस्तों हमें ध्यान रखना है एक छोटा सा, आप जैसे देखिए दोनों तरफ से एंड मैंने ले रखे, वैसे मुझे पता है इक्वल डायमीटर की रोप है बट अभी मेरे पास यही है तो इसी से करते हैं। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पे लूप बना लेंगे। लूप कैसे बनाना है, देखिए एक छोटा सा लूप बनाया, इसके बाद दोस्तों करना क्या है, एक फिंगर रख लेंगे जो आपके सामने वाली जो रोप जा रही है उसके ऊपर एक फिंगर रखेंगे नॉर्मल सा, नीचे से इसे लेके आएंगे, नीचे से लेके आए अपने फिंगर के ऊपर क्रॉस कर रखा है एंड उसके बाद इसका एक छोटा सा राउंड ले लेंगे आप। राउंड लिया एंड जहां से रोप आ रही है
दोबारा मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से है, एंड जहाँ से हमारी फिंगर जा रही है, जहाँ से हम उसी फिंगर में इसे पुट कर देना है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी सिंगल शीट बैंड, बट ये अभी रेडी नहीं है, तो सेफ्टी नॉट का खास तौर पे ध्यान रखें। इसकी दोस्तों जो सेफ्टी नॉट लगेगी वो दोनों साइड लगेगी। तो फर्स्ट हमने इस रोप से इस साइड मार दी, एंड जो ये वाला अपना रनिंग एंड है इससे हमने इस साइड मार दी। तो आपकी जो नॉट होगी कुछ इस तरीके की आपको दिख जाएगी बनते हुए। डबल शीट बैंड में भी कुछ नहीं करना, जैसे आपने यहाँ पे एक ट्विस्ट लिया था एक ट्विस्ट और ले लेंगे इस तरीके से, एंड ये जो लूप है ये जो आ रहा है वापस इसमें पुट कर देंगे। तो आपकी नॉट दोस्तों जो है वो इस तरीके से कुछ बन के आएगी सामने, एंड यहाँ पे आप इससे लगाएंगे सेफ्टी, यहाँ पे इससे लगाएंगे सेफ्टी। ये आपकी बन गई डबल शीट बैंड नॉट कैसे आप लगाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है फिशरमैन नॉट, आप कैसे लगा सकते हैं। फिशरमैन भी ज्वाइनिंग के लिए यूज़ होती है। अभी मैंने ज्वाइनिंग के लिए आपको कौन कौन सी नॉटें बताई हैं, शीट बैंड बता दी, एंड इसके बाद आते हैं फिशरमैन नॉट के ऊपर। तो फिशरमैन भी दो तरीके की होती है, सिंगल फिशरमैन, डबल फिशरमैन, जितने भी फिशरमैन आप करें एक काम करिएगा लूप एक एक बड़ा करते रहिएगा। फिशिंग नॉट भी इसे बोलते हैं, फिशिंग में भी कई बार यूज़ की जाती है, मैक्सिमम फिशिंग में रोप ज्वाइनिंग के लिए यही नॉट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या करना है, ये हमारे दोनों एंड मान लीजिए ये दो रोप अलग अलग रोप हैं, अब इसे ज्वाइनिंग कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे है एक हमने राउंड दिया एंड एक सेफ्टी नॉट लगा दी इजीली, ध्यान से देखिएगा कुछ नहीं, सेफ्टी नॉट आपको आती होगी, कुछ नहीं करना, राउंड देके एक नॉट लगा दी लाइक दिस, एंड इधर राउंड देके एक इधर नॉट लगा दी लाइक दिस। तो अगर आप ये बोले आपकी नॉट रेडी है तो बिल्कुल हाँ रेडी है, बिकॉज इसमें ये ऑलरेडी हम सेफ्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो सेफ्टी नॉट की इसमें आपको अलग से ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो लूप हो ज़्यादा बड़ा ना हो, ये जो एंड दोनों बचे हैं ज़्यादा बड़े ना हो, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके भी आपके नंबर कटते हैं कई बार। तो ये हमारी जितना भी आप इसे खींचेंगे ये टाइट होती रहेगी, एंड खोलने में सबसे ईजी तरीका इन दोनों का अपोजिट की डायरेक्शन में आप पुल करेंगे तो इजीली ये खुल जाएगी। अगर आपको इसे चेक करना है तो इस तरीके से करके चेक आप कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। सेम अगर डबल आपको इसी में डबल फिशरमैन नॉट आपको माननी है तो यहाँ पे एक फिंगर रख लीजिएगा, एक राउंड दो राउंड, एंड यहाँ पे वापस इसे पुल कर देंगे। सेम जैसे इस तरीके से किया यहाँ पे भी सेम तरीके से, और ये बन जाएगी आपकी डबल फिशरमैन नॉट। एंड मैंने स्मार्ट जॉइनिंग नॉट का ऑलरेडी एक अलग से वीडियो डाल रखी है कि स्मार्ट जॉइनिंग नॉट एटलीस्ट 10 टाइप्स की नॉट्स हैं जो एडवांस जॉइनिंग नॉट है, तो वो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं अपनी नेक्स्ट नॉट पे, सबसे इजी नॉट है रीफ नॉट। रीफ नॉट का दोस्तों खास तौर पे ध्यान रखना है, डॉक्टर नॉट भी इसे कहा जाता है। कुछ नहीं करना, पहले आपने क्रॉस किया लाइक दिस, क्रॉस करने के बाद किसी भी एक लूप को पकड़िए ऊपर से नीचे लेके गए, एंड सेकेंड थिंग का ध्यान रखिएगा अगर आप इस तरीके से सामने से देखते हैं तो जो रोप आपके आगे की साइड हो आपकी फेस की साइड हो वही रोप आपके ऊपर में आएगी। जो रोप ऊपर है मेरी साइड ये वाली रोप है तो मैं इसको ऊपर ही रख रहा हूँ, एंड इसी से वापस ट्विस्ट लेता हुआ अपनी तरफ इसे खींच दूंगा। तो दोस्तों ये हमारी तैयार हो गई रिफ नॉट। रिफ नॉट के बाद दोस्तों सेफ्टी लगाना ना भूलें, अगर आप टेस्ट में जाएंगे तो इसके सेफ्टी लगाना कंपलसरी है, एंड इसके नंबर कटते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो एंड बचेगा इससे यहाँ पे सेफ्टी, थोड़ा बड़ा लूप लीजिएगा, एंड ये जो एंड बचेगा उससे यहाँ पे सेफ्टी मार देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं थोड़ी एडवांस नॉट्स की तरफ। तो अब दोस्तों आते हैं ग्लेशियर नॉट। ग्लेशियर नॉट को दोस्तों बोला जाता है बो लाइन ऑन बाइट, बो लाइन का ही एक पार्ट है। कितने टाइप्स की बो लाइन है, 7 टाइप्स की, तो ऑलरेडी मैं वीडियो में बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ बो लाइन कैसे वो लगाते हैं,
अभी दोस्तों आते हैं फिलहाल बोलाइन ऑन बाइट पे। बोलाइन ऑन बाइट सबसे इजी नोट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड ट्राई करेंगे तो। सो सबसे इजी ट्रिक है, इजी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। तो सबसे इजी है, आप एक नॉर्मल सा ट्विस्ट ले लीजिए, ये है मिडल में। बोलाइन ऑन बाइट कहाँ लगती है? मिडल में। थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं क्योंकि हमें इसे वेयर भी करना है, पहनना भी है, तो कैसे पहनना है वो भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, रोप का मिडल ले लिया हमने प्रॉपर। मिडल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही रोप पूरी नाप रहे हो एंड मिडल में ले रहे हो, मिडल का मतलब है कि थोड़ा बीच में आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट थिंग इज, आपने नॉर्मली इस पे लगाया लूप। लूप किस तरीके से देखिएगा, बाहर की तरफ लूप आपने लगाया। जो हमारी ये रनिंग रोप है, एक तरीके से आप बात कर सकते हैं कि जो हमारा मिडल रोप है, रनिंग रोप नहीं, सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर डैट, रनिंग रोप नहीं, जो मिडल रोप है। तो इसमें क्या करेंगे, मिडल रोप लाएंगे एंड इसके नीचे से हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, बाहर जैसे ही निकला अब ये ऑलरेडी एक लूप बन गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, नॉर्मली हमने इसे बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद ये छोटा सा लूप आपको दिखेगा। लूप को क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो लूप का जो मेरी तरफ वाला पार्ट है, मैंने इसे अपने थंब से होल्ड कर लिया, इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये जो लूप है हल्का सा हमने बड़ा कर लिया, एंड जितना भी ये सारा सामान बचा हुआ है इसे हम इसी लूप के अंदर से निकाल देंगे। निकालने के बाद जैसे ही हम इसे टाइट करेंगे तो ये हमारी बोलाइन ऑन बाइट रेडी हो गई। अब इसे वेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको करके बताऊंगा, पहले एक और बार साथ में कर लेते हैं। अनवेयर कैसे करना है, सेम कंडीशन इसकी ऐसी रहेगी, जो लूप हमने बनाया था उसी को वापस ट्विस्ट किया एंड इजीली तरीके से निकाल दिया। तो चलिए दोस्तों फिर से करते हैं, लूप ले लिया, लूप लेने के बाद इसे नीचे से हमने पास किया। अब ध्यान से देखेंगे तो एक लूप यहाँ पे ऑलरेडी बन गया। इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हमने रखा थंब। थंब रखने के बाद हमें ये जितना भी मटेरियल है, ये जो बाकी सारा ये बचा हुआ है, इसे हम यहाँ से इसके ज़रिए पास कर लेंगे। पास करने के बाद देखेंगे तो रोप आपकी इस तरीके से बन गई। इसको हम अगर खींचेंगे तो ये हमारा बन गया बोलाइन ऑन बाइट। अब इसे हमें वेयर करना है, वेयर कैसे करना है, देखिए दो लूप बन रहे हैं। पहला जो हमारा लूप आएगा वो आएगा हमारी कमर पे, कुछ इस तरीके से वेयर करेंगे। एंड अब बचा सेकेंड लूप, सेकेंड लूप आपका आएगा कंधे पे। तो ये जो आपकी नॉट होगी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। एंड एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो आपकी नॉट कभी भी आती है हमेशा आपकी लेफ्ट साइड में आएगी या सबकी पूरी टीम की राइट साइड में आएगी। ये मिडल मैन लूप भी बोला जाता है एंड ग्लेशियर नॉट भी इसे हम बोलते हैं। उसके पीछे रीज़न है, ग्लेशियर में जब हम रोप अप होके चलते हैं तो ये जो बीच के पर्सन्स होते हैं, मिडल मैन जो यूज़ करते हैं, वो ये रोप यूज़ करते हैं ग्लेशियर में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक पर्सन का अगर फॉल होता है तो बाकी सारे उसे सेल्फ अरेस्ट कर सकें, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। एंड सेम आपका यही चीज़ यूज़ होती है, आपके टेस्ट में भी ये चीज़ें आती हैं। अब इसे रिमूव कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है। फर्स्ट थिंग ऊपर वाला हमने निकाला, उसके बाद जैसे ही ये हमने पहना था वैसे ही निकाल देंगे, थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। एंड जैसे हमने इसे पहना था सेम उसी तरीके से इसे निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों आ गया आपका मिडल मैन लूप। एंड इसे अनवेयर कैसे करना है, खोलना कैसे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने नॉट लगाई थी ये ध्यान से देखेंगे, इसी को खींचेंगे एंड इसी में से वापस सारी चीज़ें हम निकाल देंगे। एंड दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया बोलाइन ऑन बाइट, या इसे बोल सकते हैं ग्लेशियर नॉट। एंड ऑलरेडी मैं ये चीज़ें पूछ चुका हूँ, तो ध्यान से रखिएगा, आने वाली वीडियोस में और भी सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, एंड ध्यान रखिए इस चीज़ का भी कि कभी भी जिस तरीके से ट्राई करें इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं उस तरीके से दोस्तों अपनी जो नॉट्स हैं उसी तरीके से लगाएं, क्योंकि उसकी भी मार्किंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, जय हिंद।